दोस्तों आपने सड़क पर चलने वाली बाइक देखी होगी, आपने पानी में तैरने वाली बाइक भी देखी होगी, लेकिन आज आपके लिए यहाँ पर पेश है उड़ने वाली बाइक। भाई ये जो मशीन है, ये जो व्हीकल है, ये जो बाइक है या ट्राइक है, जो भी कह सकते हो, ये ना जमीन पर चलती है ना पानी पर चलती है, ये चलती है आसमानों में। अब आप सोचोगे कि ये आसमानों में कैसे चलेगी, तो गाइस आज ये चलेगी भी आसमानों में, उड़ेगी भी, और आपको इसकी पूरी डिटेल्स दिखाएंगे कि कैसे काम करती है, कैसे उड़ती है, और उड़ने का जो मजा है वो कैसा आता है, कैसी फील आती है, और आपको आसमान की सैर भी कराएंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं। सब लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना, क्योंकि गाइस ऐसी चीज हम आपके लिए ढूंढते रहते हैं जहां पर आपको बहुत सारा मजा आए। तो यार लाइक दबा देना जरूर से, और भाई सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई प्लीज नीचे जो रेड कलर का बटन है दबा दीजिए। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो भी चीज हवा में उड़ती है उसको उड़ाने वाले को बोलते हैं पायलट, और यहाँ पर जो पायलट है गाइस वो बैठता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और अब मैं बन गया हूँ पायलट। अरे अरे रुक जाओ, अरे धक्का दे दो यार, भाई बहुत हैवी मशीन है। अरे धक्का मारो ना यार उसको, ऐसे चलता है ये। तो भाई ये, अरे रुक जाओ, बस 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 चल गई। ये जो है गाइस ये है इस मशीन का पंखड़ा यानी कि प्रोपेलर, और यही देता है सारी की सारी पावर। पंखा मत घुमा देना नहीं तो यही उड़ जाएगी ये। दोस्तों इसकी सारी टेक्निकल चीजें समझने के लिए हम बुलाते हैं एक्सपर्ट को, यानी कि पायलट को। उड़ान के दौरान हमारा साथ देने के लिए हनुमान जी भी हैं, तो हनुमान जी को जो है एक बार प्रणाम कर लेते हैं भाई, क्योंकि यही है। थैंक यू भाई। मनीष जी है जो फ्लाई करते हैं इस मशीन को। ये फिलहाल मशीन है। अच्छा ये मशीन है, इसके साथ में कुछ और चीजें भी लगती है इसको उड़ाने के लिए। यार ये सही में आसमान में उड़ेगी? बिल्कुल ही आसमान में उड़ेगी। इसको देख करके ऐसा फील होता है कि ये कैसे उड़ेगी, ये तो बहुत छोटी सी चीज है और मतलब इसमें कुछ है ही नहीं। मनीष जी आपको कितना टाइम हो गया ये वाला मतलब जहाज उड़ाते हुए? 400-500 फ्लाइट मैं कर चुका हूँ जी। सो इसे कहते हैं पैरामोटर। इसमें सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो इंजन है ये कितने सीसी का इंजन है और कितने सिलेंडर है इसमें? अमित जी 503 सीसी का इंजन है ये जी। रोटेक्स मशीन है, मेड इन ऑस्ट्रिया है। 3600 आरपीएम पर सेकंड क्रिएट करता है। इसके इंजन में क्या डलता है? पेट्रोल। पेट्रोल डलता है। सो इसमें क्या होता है ना, कोई भी चीज इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, सारी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। भाई यार ये देखो, अब आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग साइंटिस्ट बनने वाले हैं, है ना, अपनी अपनी फील्ड में। तो यार थोड़ा सा मेहनत करो यार, अपने खुद के यहाँ बनाओ यार सारी चीजें। ये टायर तो मेरे को स्कूटी वाले लग रहे हैं। टायर वगैरह तो बिक रहे, ये तो एक्टिवा वाले लग रहे हैं। एक यहाँ पायलट बैठता है जी, यहाँ पे पैसेंजर बैठता है। अब मैं उड़ाऊंगा तो मैं तो यहाँ बैठूंगा ना। आप उड़ाओगे तो यहाँ बैठूंगे? बिल्कुल। तो मैं यही बैठ के उड़ाऊंगा। अभी मैं आपको उड़ाने नहीं दूंगा। क्यों? अरे यार ये ऐसा मत करो यार। बेसिकली गाइस ये मशीन ऐसे नहीं उड़ती है, इसके साथ में एक पैराशूट जोड़ना पड़ता है, उसको बेसिकली ग्लाइडर बोलते हैं, लेकिन अपनी भाषा में पैराशूट ही बोलते हैं। तो वो इसके साथ जुड़ता है और तब ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो उड़ता है। सर्टिफिकेट दे देना सर मेरे को। मेरे पास क्या था कि को सर्टिफिकेट नहीं मिला स्कूल से कैरेक्टर वाला। ये इसकी रेस है कुल मिला के। अगर ये उड़ते उड़ते मैं छूट के नीचे लटक जाए तो? कोई बात नहीं सर, मैं वापस ले लूंगा। अच्छा हाँ ठीक है। अभी हम अमित जी को बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हाउ इट रन। हल्का हल्का दबाना इसको, जितना आपको चलाना है। हां एक साथ पूरा मत दबाना। अगर पूरा दबा दिया स्टार्ट होने के बाद वो एकदम से एक्सीलरेट। अच्छा एक बात बताओ, इसका अगर हाईवे पे लेके जाए इसको तो चल तो सकती है रोड पे? दौड़ेगी। टोल लगता है इसका? टोल लगता है? नहीं नहीं टोल काहे का लगेगा। उड़ा दूँ आसमान में। ओ भाई बहुत सही बात है, ब्रेक नहीं गाड़ी में। बिना ब्रेक की गाड़ी है ये। गाड़ी में तेल खत्म हो गया, बंद हो गई। एक बार बताओ, गलती हो गई। ये पता है बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि इसके अंदर में ना तो मतलब कि कोई इंजन से पावर टायर्स में जा रही है, ये चल पता है हवा को पीछे इतना जोर से धकेल रहा है कि खुद आगे जा रहा है। जो न्यूटन का तीसरा नियम है ना वो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर पीछे हवा भागेगी तो मशीन को आगे भगाएगी। जब तक हवा को जो है वो इस तरीके से ना चीरे कि एयर उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाए, तो वो जो है ये लगाएगी तब जब इसके ऊपर ग्लाइडर लगेगा, पैराशूट लगेगा। नहीं सर मेरे को उड़ा लेने दो ना सर इसको। मैं ज्यादा नहीं ले जाऊंगा, 5-7 हजार फीट तक ले जाऊंगा। 5-7 हजार फीट? अच्छा 1000 फीट की परमिशन है इनके पास, तो उससे ऊपर आप जा नहीं सकते। वैसे कितना जा सकता है अगर हम इसको अंधाधुंध उड़ा दे? आराम से 5000 फीट ले जाओ।
भाई ये जो है ना पीछे बहुत तेज प्रेशर देता, तो उड़ने से पहले मैं एक बार इसके प्रेशर को फील करना चाहता हूँ कि हवा कितना तेज उड़ती है। हो गया स्टार्ट हो गया गाइस, हवा आने लग गई है, हवा आ रही है इसमें पंखे की, जैसे छत का पंखा, इतनी हवा में कैसे उड़ेगा ये। तो भाई अब हवा आने लग गई ठीक ठाक। मैं भाई गिरने वाला पता नहीं क्या क्या, मेरे बाल उड़ गए, आंख चश्मा सब मेरा, तो मेरी आवाज नहीं निकल रही सही से, मुझे ऑक्सीजन की पूर्ति हो गई फेफड़ों में, अपने आप हवा जा रही है, अपने आप निकल रही है। हमारे यहाँ शादी पार्टियों में कूलर की बुकिंग की जाती है, उचित रेट पर पत्तले उड़ाई जाती है। भाई करतार जो है वो बिना बात के मजे ले रहा है। कॉपी राइट आ जाएगा, मुंह से मत गाओ भाई, आजकल मुंह से गाने गाने पे भी कॉपी राइट आ जाते हैं यूट्यूब पे। छोड़ के ना जान, अरे यार ये मत गाओ अभी। ओ भाई ये तो मुझे लगता है कम से कम 50 फीट होगा भाई, बहुत बड़ा है ये। तो भाई अब इसको जो है लगाते हैं मशीन में और फ्लाई करते हैं। लो मैं जोड़ रहा हूँ भाई इसको। हाँ जी अरे मैं जोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, दर्जा भी बांध देता हूँ। तुमसे ना हो पाएगा, इसमें जाएगा ये, इसमें शाबाश बेटा बहुत बढ़िया, इसमें लोक होगा तो घूम जाएगी, क्या दिक्कत है भाई। ये जो पैराशूट है यहाँ पर कनेक्ट होगा मशीन से, भाई अब जो है असली में बैट लगा रहा हूँ। अब भाई एक्चुअली में वो थोड़ा धक धक सा हो रहा है, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, ये हवा में उड़ेगा और वो टाइम आ चुका है भाई जब ये आसमान में उड़ेगा। और पता है इतना खुला खुला फील हो रहा है, प्लेन के अंदर तो पूरा कांच होते हैं, ग्लास होता है, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। और मशीन स्टार्ट हो गई भाई, तो भाई अमित भाई तो भाई आसमानों की सैर कर रहे हो, वो देखो भाई कितनी दूर जा चुके हैं, चली ना। और भाई एक बार को तो मेरे को जब यहाँ से टेक ऑफ किया ना तो लगा कि यार वो एकदम से बैलेंस उसका गड़बड़ हो गया, मैंने कहा ये क्या यार, ये क्या चीज है। मर गया।
गाइज ये लोग देखो अपनी बारी का वेट कर रहे हैं भाई, आसमानों की तरफ निगाहें गड़ाए हुए हैं कि कब से वो आएंगे और मैं उड़ूंगा। ये देखो सारे लोग कैसे बैठे हैं। मेरा नंबर है मेरा ना लड़ लो चाहिए मैं जाऊंगा। गाइज ये वही लोग हैं जो डरपोक लोग हैं। ये विकास, ये इसकी फट्टी है, करतारपुर हाइट से वैसे फट्टी है, बबलू जा नहीं सकता, अंकित का वेट ज्यादा, अंकित को लेके ही नहीं जा रहे। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं तो उड़ूंगा भाई, मैं उड़ता। गाइज अगर आपने बहुत सारे दुनिया में हवाबाज देखे होंगे, दुनिया में उड़ने के लिए आप उड़ता ही फिरूं। फाइनली गाइस अमित भाई लैंड करने वाले हैं। ड्रोन वाली फील आ रही है, इतना नीचे नीचे उड़ के जा रहे हैं हम लोग। अब मुझे फिर से धक-धक हो रहा है सर। ओ भाई आराम से उतारना, गिरा मत देना। मर गया। ओ भाई मैं बच गया। अरे मैं गिरता हूँ भाई अभी तक। ओ भाई मशीन भाग रही है। सर हाइट से पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मतलब शुरू में तो डर लगा बहुत ज्यादा, उसके बाद मैं तो मूवी सी में चला गया कि मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, वो मूवी चले जा रही है, उड़े जा रहे हाँ, सपने में। हाँ, सपना सा लग रहा था भाई, तो मुझे लगा इस बोर्ड में या हाईवे में अटक रहा है। भाई बहुत दूर था और हाइट से चीजें छोटी छोटी लगती है, उतर सकता हूँ सर इस बोर्ड में। भाई डर लगता है लेकिन यार जो भी है, मनीष जी थैंक यू वेरी मच ये एक्सपीरियंस देने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग। और भाई हम लोग जिंदा सही सलामत वापस आ चुके हैं। क्या तुम लोग उड़ना है किसी को? मैं पहले ही कह रहा हूँ जो जाएगा शुरू में पछताओगे तुम। मैं पछताने तैयार हूँ, मेरा नंबर है दूसरे पे, मेरा नंबर है। भाई मोहित जो है उसमें ज्यादा जोश आ रहा है उड़ने का, लेकिन वो तब पता लगेगा उसको जब वो उड़ेगा। ऊपर से नजारा तो जबरदस्त दिखता है भाई, खुली हवा आती है। अब मेरे को ये बताओ चढ़ते टाइम कैसा लगा? चढ़ते टाइम तो यहाँ पे चढ़ते टाइम तो पता ही नहीं चला, वो हिला नहीं यहाँ पे उड़ते टाइम पता ही नहीं चला कि इसमें कार्ड नहीं था। मैं उस टेंशन में था। इसमें कार्ड नहीं था। मोए मोए कैसा लगा? अलग ही एडवेंचर। नीचे तो बनी है ना, और क्या ऊपर कैसे बना ली, थोड़ी दिख रही है गाय, पैसा कैसे दिख रही थी ये बता। गाय पैसा तो है मतलब बकरी क्या, चींटी चींटियों की तरह। गाइस अब मेरी बारी है, मैं करूंगा मोटर पैराग्लाइडिंग फुल, जितना आपसे हो सके ना मुझे डरा सको तो डरा दो, पूरे खतरों के खिलाड़ी है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारा मजा आया होगा इस वीडियो के अंदर, अभी बाकी लोग भी अपनी राइड करेंगे, तो एक नई चीज जो है हम लोगों ने कोशिश करी आपको दिखाने की, और हम ऐसी नई चीजें लाते रहते हैं, तो प्लीज सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर से। आज के लिए इतना ही, वीडियो के लिए लाइक करना बिल्कुल भी मत भूल जाना। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।